हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर दीपक शिवदासानी सर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर कैरियर के बारे में बताएंगे। दीपक शिवदासानी ने 1985 में आई मूवी भवानी जंक्शन से अपने प्रोड्यूसर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे एच दिनेश। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, रति अग्निहोत्री, जीना तमान, प्रेम चोपड़ा, महेश आनंद और मास्टर रवि शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1987 में दीपक शिवदासानी की मूवी आई दादागिरी। इस मूवी के प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर भी थे दीपक शिवदासानी। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, गोविंदा, रति अग्निहोत्री, राकेश बेदी, मोहन चोटी और सुधीर दल भी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1989 में दीपक शिवदासानी की मूवी आई लड़ाई। इस मूवी के प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर भी थे दीपक शिवदासानी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, विपल कपाड़िया, आदित्य पंचोली, अनुपम खेर और मंदाकिनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,80,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1990 में दीपक शिवदासानी की मूवी आई बागी। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, नगवा, किरण कुमार, शक्ति कपूर, मोहसिन बहेल, आशा सचदेव और बीना बनर्जी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,75,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1993 में दीपक शिवदासानी की मूवी आई पहचान। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, शिल्पा जडौलकर, मधु, किरण कुमार, राजा मुराद, बीना बनर्जी और अवतार गिल शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,85,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,68,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,80,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1994 में दीपक शिवदासानी की मूवी आई मैडम एक्स। इस मूवी के लीड कास्ट में रेखा, मोहसिन खान, शक्ति कपूर, राजा मुराद, जगदीप, मास्टर बंटी और अवतार गिल शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 72,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,36,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1996 में डायरेक्टर शिवदासानी की मूवी आई कृष्णा। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, टीनू आनंद, मोहन जोशी और कुलभूषण खलवंदा शामिल थे। इस मूवी का बजट 6,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15,36,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1997 में दीपक शिवदासानी की मूवी आई भाई। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे दीपक शिवदासानी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, पूजा बत्रा, सोनाली बेंद्रे, शक्ति कपूर, आशीष विद्यार्थी, कुणाल खेमू, कादर खान और रूमपुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 4,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 8,40,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 14,91,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 2001 में दीपक शिवदासानी की मूवी आई यह रास्ते प्यार के। इस मूवी के प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर भी थे दीपक शिवदासानी। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, विक्रम गोखले, जनी देओल, किरण कुमार और राजीव वर्मा शामिल थे। इस मूवी का बजट 8,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 7,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15,69,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2004 में दीपक एस शिवदासानी की मूवी आई जूली। इस मूवी के स्टोरी राइटर भी थे दीपक शिवदासानी। इस मूवी के लीड कास्ट में नेहा धूपिया, प्रियांशु चटर्जी, संजय कपूर और राजीव आनंद शामिल थे। इस मूवी का बजट 5,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 9,16,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 13,81,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 2008 में दीपक शिवदासानी की मूवी आई मिस्टर व्हाइट मिस्टर ब्लैक। इस मूवी के स्टोरी राइटर भी थे दीपक शिवदासानी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, सदाशिव अमलपारकर, किरण कुमार, महिमा मेहरा और आशीष विद्यार्थी शामिल थे। इस मूवी का बजट 11 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2,80,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,89,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2017 में दीपक शिवदासानी की मूवी आई जूली 2। इस मूवी के प्रोड्यूसर और राइटर भी थे दीपक शिवदासानी। इस मूवी के लीड कास्ट में निशिकांत कामत, राय लक्ष्मी, रति अग्निहोत्री, रवि किशन, पंकज त्रिपाठी, रणवीर चहल शामिल थे। इस मूवी का बजट 8,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,60,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,31,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही।
और यही अब तक की दीपक शिवदासानी सर की डायरेक्ट या प्रोड्यूस की हुई आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको दीपक शिवदासानी सर का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।